आपके बहुत अगर मानते हैं तो घर के दे दो, अगर आप बाद ही बात फिर तो परिस्थितियाँ बदलती रहती है। मूर्ति के बाहर धरना भी है राणा राजपूत समाज का। परिवार का एक बच्चा जो अपने परिवार में इकलौता पुत्र था, उसका इस तरह से जो है वो संसार छोड़ना हम सबके लिए बड़ा ही दुखद है और ये सबके लिए बहुत पीड़ादायक है कि एक इकलौता कमाने वाला बच्चा जो है उसके साथ में कुछ ऐसा हुआ है कि वो जो है आज हमारे बीच में नहीं है। और हम सबको ऐसा प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि इसके साथ में कुछ ना कुछ गलत घटना कारित हुई है। प्रथम दृष्टया ये जहाँ तक मेरी समझ है, मैं इसे आत्महत्या के रूप में नहीं देख रहा हूँ। वो जो चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं फोटोग्राफ्स वगैरह में जो पता लग रहा है, उससे ये लग रहा है कि यह जो है आत्महत्या का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। अभी पुलिस के उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई है, उन्होंने ये कहा है कि एक व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार भी किया है और उसके आगे तफ्तीश कर रहे हैं। तो हमारा जो सारा परिवार है यहाँ पर है और मैं उस पूरे परिवार की तरफ से, हम सभी की तरफ से प्रशासन को ये कहना चाहूँगा कि लोगों का अखलाक आप लोगों में बना रहे, पुलिस का जो इकबाल है वो बना रहे, उसके लिए इस तरह की घटनाओं में जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए। और हम जो परिवार के लोग हैं हमारे अंदर भी एक आपको लेकर विश्वास होना चाहिए और जब तक पुलिस इस तरह का विश्वास हम लोगों में कायम नहीं कर पाएगी तब तक ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे हम अपने मन को समझाएं, कैसे हम हमारे दुख को जो है दबा के रखें। तो निश्चित तौर पे वो दुख भी बाहर आता है और हमारे शब्दों के रूप में भी बाहर आता है। तो मेरा तो पुलिस और प्रशासन से यही है कि वो जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करे और लगातार इस केस में क्या प्रगति हो रही है वो हमारे बीच में आके साझा करे और बताया कि इस तरह की प्रगति है और इस तरह का जो है उनको भी जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो इस तरह का लग रहा है या क्या चीज़ है। तो इसीलिए आज हम लोग पूरा परिवार यहाँ पर है, अभी मिलकर तय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये तो पिछले दो दशक में सभी को पता है कि हम लोगों ने जब भी कभी कोई चीज़ तय की है तो हम लोग उसे बिल्कुल खड़े उतरे हैं और प्रशासन अगर किसी भी तरह होता ही करेगा तो फिर परिणाम वही होंगे जो उससे आज से पहले। आज एक झाड़ियों में कल शव मिला है राणा राजपूत समाज के युवा का, क्या मामला है क्या घटना है? प्रथम दृष्टया जो सुनने में आया है नरेंद्र सिंह नाम का 20 साल का युवक जो इकलौता एक माँ बाप का बेटा था, 20 साल का युवक, वो कल शव उसका देवका के पास झाड़ियों में मिला। बड़ी दुखद घटना हुई, पूरे बाड़मेर जिले को झकझोड़ने वाली घटना हुई। अभी शव यहाँ मोर्चरी में लाए, पोस्टमार्टम भी हो गया, पुलिस अधिकारी जिला प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, समाज के हजारों की संख्या आप लोग भी देख रहे हो। माहौल बड़ा तनावपूर्ण है, जब तक इसकी गहराई में जाकर के और वास्तव में घटना क्या हुई है हम लोगों को आश्वस्त नहीं करे तब तक सब लोग भी बड़ा दुखी गमगीन वातावरण भी है और तब तक हम भी कोई इस घटना मजाजम पर बैठ करके उचित समाधान नहीं होगा तब तक हम यहीं बैठे हैं। और जब प्रशासन हमारे को आश्वस्त कर देगा तो कुछ समाधान की दिशा में कदम बढ़ेंगे, हमारे कुछ क्लू बताएंगे, तब हम जाकर कुछ आगे की बात तय करेंगे, सब लोग बैठ कर तय करेंगे। अभी सर पुलिस से वार्तालाप हुई है, क्या हुई है? पुलिस ने अब तक यही कहा है कि हमने शव बरामद कर दिया है, पीएम रिपोर्ट भी आ गई है, रिपोर्ट के आधार पर हम जांच करेंगे और जो सही होगा वो हम करेंगे, आपके साथ न्याय ही करेंगे, ऐसा पुलिस अधिकारियों ने एसपी साहब ने कहा है। परंतु सब जो परिजन हम लोग बैठे हैं सबका जो सर्वसम्मति से जो निर्णय हुआ वो हम करेंगे। सर एक इनके पास कोई फोन आया था, धमकी भी मिल रही थी, वो क्या होगा? हाँ, एक युवक का ऐसे नाम आ रहा है, उन्होंने कहा कि फोन पे धमकी दी, वो जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी उसमें उसके कितना दोष है और कितने लोग इन्वॉल्व है, घटना कैसे हुई, किसने कारित की, ये आत्महत्या है या मर्डर है, ये सारे जांच के विषय है और आगे जांच में ही पता चलेगा। अभी तक किसी को गिरफ्तार किया आपने? एक जने को राउंड अप किया है, अभी पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है।